माता को पुनः एक बार सोने के चिड़िए के रूप में देखना चाह रहे हैं। आज के समारोह की आज की अध्यक्ष का स्वागत कीजिएगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में निवेदन तांगकर साहब से कि राजेश साहू जी का भी आप सम्मान कीजिएगा। तो मैं इस जोड़े को ये कहना चाहूंगी कि शादी में सात फेरे लिए जाते हैं, आठ वचन निभाए जाते हैं। वो आठ वचन को ध्यान से सुनना है, क्योंकि शादी की सफलता उसी में है जब वो आठ वचनों का, आप फिल्म देखते हैं, आप सीरियल में भी देखते हैं, आप शादी होता है उसमें भी देखते हैं, आठ वचन सब जगह जो है दिया जाता है। और उस आठ वचन को नए वैवाहिक जोड़े अगर उसको पालन करते हैं तो निश्चित तौर से विवाह सफल होता है। तो कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखा करके उनको भटके हुए को सन्मार्ग पे लाया। निश्चित रूप से ये विवाह का जोड़ा हमारे लिए विराट रूप है और इस विराट रूप को हमें समझना होगा। इसी आशा विश्वास के साथ आज के संस्कार के लिए मैं माई इन आप पुरोहित त्रय को सादर समर्पित करता हूँ। समस्त देव शक्तियों को नमन वंदन प्रणाम। स्वस्ति वाचन, स्वस्ति वाचन करें। स्वस्ति वाचन के लिए पुनः हाथ में अक्षत पुष्प ले ले और हाथ जोड़ के बैठे, सारा ध्यान पूजा वेदी में रखे, देव देवता में कोई गलत नहीं देखे, हाथ कर वर वचन चलिए। ओम गणपति गंगामहे, प्रियानां प्रियपति गंगामहे, निधीनां निधिपति गंगामहे, वसो मम आहं दानि गृहधम्मा त्वं जासि गृहधम्मा। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारित्रो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ॐ पयः पृथिव्यां, पयः ओषधीषु, पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः, पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। बूढ़ा बाबा, फिर बाबा, फिर दादा, ठीक है दादा, ठीक है ना दादा, जानते हैं ना आजकल के लड़का मन दादा बोलने जाने का। दादा के पिता, दादा के पिताजी का पढ़ रहा है। हाँ अपना नाम लो, फिर आप गोत्र का नाम बोले अपने, नामो गोत्रस्य, अब अपने दादा का नाम बोले, पर दादा
अमुक महोदयस्य प्रपौत्र। फिर अपने दादा का नाम? अमुक महोदयस्य पौत्र। अपने पिताजी का नाम? अमुक महोदयस्य पुत्र। अब कन्या? कन्या पक्ष के कन्या। चलिए कन्या अपना नाम बोले, अपना गोत्र बोले। हो गए मंगल पुत्र आगे बढ़ा भैया। आओ एक बार हार के नंबर है का पहली माला धर के आपने अभी एक हो गए आगे बढ़ा। चलिए माल्यार्पण उसको कहा। चलिए दोनों खड़े हो, वर और कन्या खड़े हो अपने स्थान पे। अब मेरे को बताइएगा अलग से व्यवस्था नहीं करे है ना, वो कब तरीका हम लोग करा है ना। ठीक है प्रण दे सुनो भाई और कन्या बात करें। अब क्या करना है सुनो मोर बात ला। हाँ सुनो एक तरफ सुनो, दोनों कोई कहा पहने और ध्यान दीजिएगा पंडित की कोई जरूरत होना करे उसको बताएं। और हमारे यहाँ जो अतिथिगण है उसे आपसे निवेदन है कर्मकांड है इसके महत्व दूध या पानी होगा बांध लिए ना। हाँ दूध डिस्पोजल में नयाल है पानी है ना। हाँ या दूध हो है ना। चलो क्रमशः डालो ठीक है। हाँ आइए अब आप लोगों को पानी ग्रहण हो रहा है हमारे परम आदरणीय दीदी श्रीमती लक्ष्मी जो आप लोगों को आशीर्वाद देने वाली हैं। अच्छा जी अब सबके सामने खाली होगा या फिर खाली प्लेट क्या चीज़ है। वैवाहिक परंपरा के पहले वर और कन्या दोनों की प्रतिज्ञा और जिम्मेदारी की बात आती है तो दोनों अभी सबके समाज की किसी प्रतिज्ञा लेंगे। पहले वर लेंगे फिर कन्या लेंगे ठीक है तभी आप लोगों का एक दूसरे को स्वीकार किए माना जाएगा। इसलिए ये जो वचन है ना नौ वचन वर के नौ वचन कन्या के इसको मैं बोलते जाऊंगा तो वर को बोलूंगा तो वर वाले को बोलाएंगे कन्या को बोलूंगा तो कन्या पक्ष वाले को बोलेंगे। इस प्रकार से उसको दोहराते जाएंगे।
कोई भी पात्र वहाँ होगा मेरा हाँ हाँ पत्री है ना खाली ये देखो माता जी मंडिया खाली चलो पत्री हो ना तेमें उतारो वाला पानी डाले ना डाल खाली है ना सुरवंतो मंगलम
पतिर्नलो नरपति स्कंदस्य सेनापति विष्णुर्यज्ञपतिर्यमः पितृपति तारापतिश्चंद्रमा एत्येते पतयः सुपर्णसहिता कुर्वन्तु वो मंगलम् कुर्वन्तु वो मंगलम् ओम मंगलम् भगवान विष्णु मंगलम् गरुडध्वजः मंगलम् पुण्डरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः ओम गणानां त्वा गणपतिवंगः वामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिवंगः वामहे निधीनाः स्वस्तिनोर्य स्वस्तिनस्तारक्यो वारिक्रमेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु
या वहाँ पे मीठा प्रसाद होगा या फिर आए है ना। चलो थोड़ा सा अपनी बहन को दीजिए। चलिए आप हाथ लगाइए और हाथ लगाएंगे आई के द्वारा दिए गए इसको भाई द्वारा दिए गए हाँ। अब आप लोगों का रुकते रुकते लाइव आ गया है ना, लाइव में था अब नहीं था तो करा रहे थे लाइव दीजिए भाई अपने बहन को लाइव दे और बहन अपने वर को लाइव दे। अपने जगह में जाकर पुनः खड़े हो जाएंगे। चलिए भाई अपने कान को फिर मिठाई दे, मीठा दे चला जी इति दे। ॐ यम नार्योपकृते राजा नावकादिङ्ग आयुष्मानस्तु मे परिक्रमा कीजिए हवन कुंड का यज्ञ भगवान का और आगे वो भी पीछे रहेंगे। अनंत सूर्यं वहतु नासः पुनः पतिभ्यो जायं दाग्नि प्रजया सह। कन्या इधर बैठी थी ना, अब जगह पलट लेंगे। चलिए आज से अब क्या होंगी आप, ये आपकी अर्धांगनी है, अर्धांगनी अर्थात अपने बायां पक्ष वाली। और बायां पक्ष के में क्या होता है, दिल होता है, दिल धड़कता है, ठीक है हाँ। इसलिए पत्नी का
दिल बहुत नाजुक रहता है, उसको बहुत प्रेम और प्यार से रखना है, हमेशा ध्यान रखना है। आज से आपका शरीर दो हिस्सों में कट गया, अर्थात आप अकेले थे तो मनमर्जी करते थे, अब क्या करेंगे, आप आधा हिस्से वाली है, इसलिए धन संपत्ति विचार आहार विहार सब में अपना साथ लेकर चलना है। कभी भी पूजा पाठ करना है, कहीं भी आना जाना है, अकेला नहीं, अपने पत्नी को भी तीर्थ धाम कराना है, अच्छा काम में भागीदार कराना है, गलत काम नहीं करना है, अच्छे काम में हमेशा सहयोग लेना है और उससे छुपा के काम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अर्धांगनी आधा अंकल वो हिस्सेदार हो गया। कन्या पक्ष भाई या पिताजी काम तो हो गया, वर पक्ष के वर के बड़े भाई जो है वो है कि रिश्ता होती नहीं, जो मान ढाके वाला मैंने ते आदमी तैयार हो भाई अगर बदलना। चलिए अब सिंदूर सुमंगली सिंदूर दान करना है, वर खड़े होंगे सिंगोलिया वही होंगे, कहा है सिंदूर वही अंगूठी वही खड़े हो ना, वर बन खड़े हो। अब कहा करूं तुम्हें मांग भरू, कैसे मांग भरना है, मंत्र के साथ यहाँ मंत्र पढ़े जाए और मंत्र के साथ वर जो है ना बदौला अंगूठी के हाँ चल ठीक है। वो डिबिया खाली भी हुई नहीं, कोई बात नहीं, सिंदूर और डब्बा हुई ना पूजा वेदी में, देखो इंद्री का इंद्री हुई हाँ। और तीन बार सिंदूर लगाना है मंत्र पढ़ा जेते में, और भावना का करने तोल बता देता हूँ, मैं वधु के सौभाग्य को बढ़ाने वाला सिद्ध हूँ, ठीक है, उसके सौभाग्य बनू, उसके सौभाग्य को बढ़ाने वाला है, ऐसा भावना करते जाना है और तीन बार लगाना है। तो तैयार हो गए ना, आप तीन करो रखो सही, पहली बार लगाइए, तीन बार लगाइए, एक बार पहली बार लगाओ, तीन बार लगाइए। ओम गुरुमंगलीरे मधुरिमा त्वं समेत पाश्यत् मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुडद्वयः मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनु हरि। तीन बार बस लगाइए, हो गया तीन बार, हाँ चलिए ठीक है बैठ जाइए।